हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम लोग आपकी 25 जनवरी की असिसमेंट वर्कशीट करने वाले हैं जो आपकी एक्टिविटी वर्कशीट जो अब आपकी पाठन अभियान गतिविधि पत्रक नंबर आ रही है एक्टिविटी शीट वो हम आर्ट करने वाले हैं जो आपकी हिंदी मीडियम है अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम से है तो वो इंग्लिश मीडियम वाली कंप्लीट कर लेगा ये आपकी हिंदी मीडियम की एक्टिविटी शीट है ठीक है स्टूडेंट मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से दिख जाए ठीक है स्टूडेंट चलिए ठीक है तो आपकी है ट्वेंटी फाइव जनवरी की एक्टिविटी सीट है ठीक है इस वीडियो पे एम करते हैं हम हंड्रेड लाइक का ठीक है वन जीरो वन एक सौ एक लाइक का एम करते हैं तो सभी बच्चे लाइक का बटन सबसे पहले दबा देंगे फिर हम लोग एक्टिविटी सीट को करना स्टार्ट करते हैं एट को ठीक है आप लोग नोटबुक निकालोगे अपनी मैथ की ठीक है हिंदी मीडियम के बच्चे अपनी मैथ की नोटबुक निकालेंगे सबसे पहले आप लोग डेट लिखोगे फिर लिखोगे आप क्लास जो भी आपकी है सिक्स सेवन्थ एट्थ तीनों स्टूडेंट की वर्कशीट है ये ठीक है तो तीनों स्टूडेंट सिक्स वाले सिक्स सेवन्थ वाले से सेवंथ एट्थ वाले एट्थ लिखेंगे ठीक है एक्टिविटी शीट नंबर गति, गतिविधि पत्रक नंबर आप आठ लिखोगे ठीक है यहाँ पर ना नाम लिखोगे अपने क्लास टी का नाम लिखोगे फिर आप लोग वर्कशीट को करना स्टार्ट करेंगे ठीक है चलिए इसमें दिया गया है क्या आप जानते हैं गणतंत्र दिवस प्रति वर्ष छब्बीस जनवरी को मनाया जाता है ठीक है एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जैसे कि आप लोगों को पता है मैं आईफोन का गिव अवे करने वाला हूँ अपने चैनल पे तो अगर आप लोग वीडियोस को पूरी देखोगे शुरू से लेकर एंड तक आपको पता लगेगा कि आप लोग कैसे जीत सकते हो ठीक है चलिए क्या आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष वर्ष छब्बीस जनवरी को मनाया जाता है देखो आप लोगों को पता होगा आप लोग पहले स्कूल में जब रेगुलर जाते होंगे जब क्लासेज चल रही होंगी तो आपको छब्बीस जनवरी को छुट्टी रहती होगी उससे एक दिन पहले हम लोग क्या मनाते हैं स्कूल में फंक्शन होता है डांस करते हैं ठीक है तो किस किस बच्चे ने अपने स्कूल में डांस किया हुआ है सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे क्योंकि मैंने भी आप लोगों को पता है काफ़ी पुराने बच्चे जानते हैं कि मैंने डांस में काफ़ी पार्ट पार्टिसिपेट किया हुआ है जो बच्चे नहीं जानते हैं वो मैं बता दूंगा आपको कौन से चैनल पर जाके देखना है आप वो देख सकते हो ठीक है अब देखिए इसमें लेक्स्टर लाइन में बताएगा इस दिन उन्नीस पचास में भारत का संविधान नियमों का किताब लागू हुआ था देखिए जैसे कि बहुत कमी कम बच्चे जानते हैं नाइनटीन फोर्टी नाइन में हमारा क्या हुआ था नवंबर में संविधान की पूरा कंप्लीट हुआ था ठीक है मतलब उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी जो बुक थी वो पूरी कंप्लीट लिख दी गई थी और 1950 में वो स्टार्ट कर दी गई थी लागू कर दी गई थी ठीक है उसका स्टार्ट हो गया था तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को वो स्टार्ट हुआ था इसलिए इस दिन क्या मनाया जाता है ठीक है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ठीक है अब देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट अब आपको इसको करना कैसे आप लिखोगे इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन करके लिखोगे वन टू ठीक है अब चित्र में कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है ठीक है देखो सिंपल सी बात है चित्र में क्या दिख रहा है आपको गणतंत्र दिवस दिख रहा है तो आप इसमें लिख देंगे गणतंत्र दिवस ठीक है बच्चों? ये आपका आगे गणतंत्र दिवस बाकी का मैं रफ कर देता हूं जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो कोई भी स्टूडेंट स्टूडेंट प्रॉपर तरीके से लिख सके ठीक है चलिए अब चलते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज में रंगों की संख्या कितनी है हमेशा आपने देखा होगा तिरंगे में तीन रंग होते हैं एक संतरी होता है एक सफ़ेद होता है एक हरा होता है ठीक है बाकी जो होते हैं इसके अंदर होते हैं तो इसका आपको जरूरी नहीं है लिखना अभी आपको सिर्फ मेन कलर पूछे तो आपके वो तीन होते हैं ठीक है ठीके? तभी इसे तिरंगा कहा जाता है तीन रंग वाला ठीक है मार्चिंग टीम द्वारा बनाई गई आकृति का नाम बताइए क्या है त्रिभुज आकृति इन्होंने बना रखी है तो आप त्रिभुज पर टिक कर देंगे ठीक है तो आपके ये तीनों क्वेश्चन अब देखो आपको क्या करना है इसको रंग भरना है इसमें ठीक है तो जैसे कि आपको पता है ये संतरी होता है तो आप इसमें क्या कर दोगे संतरी रंग भर दोगे मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ जिससे ईजिली मैं भर सकूँ ठीक है तो सभी स्टूडेंट हैंड टू हैंड कंप्लीट करेंगे फटाफट जल्दी जल्दी आप लोग भी रंग लेके आइए अपने ठीक है वीडियो को पॉज करके सभी बच्चे अपने अपने रंग लेके आएंगे और हैंड टू हैंड मेरे साथ इसको कंप्लीट कर लेंगे ठीक है आप लोग अपना झंडा बना के कंप्लीट कर सकते हो ठीक है फिर आ गया आपका ग्रीन तो सभी स्टूडेंट इसे कंप्लीट करेंगे हैंड टू हैंड ठीक है तो ये आपका तिरंगा कंप्लीट हो गया ठीक है स्टूडेंट ये हमने कंप्लीट कर लिया अब देखिए अब इसे इसे कंप्लीट करना मैंने केसरिया रंग जिस आकृति में भरा है उसका नाम लिखिए ठीक है ठीके? उसकी आपको आकृति का नाम बताना है कि उसकी आकृति कैसी है तो देखिए जो आपने रंग भरा उसमें आपको कैसी आकृति नजर आ रही है ठीक है इन तीनों क्वेश्चन में यही पूछा है इनकी आकृति पूछी है ठीक है तो आप देखोगे इसकी क्या चार साइड है ठीक है तो इसका मतलब चार साइड है पर इसकी साइड जो है इक्वल नहीं है क्या नहीं है बच्चों ये इक्वल नहीं है तो आप इसमें क्या लिखेंगे ठीक है तो ये आपका आयत हो जाएगा क्या आएगा इसमें आयत ये भी आयत आएगा और यहाँ पे भी आयत ठीक है स्टूडेंट और यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा क्योंकि केसरिया और आपका हरा और लास्ट में नीला नीला किस में होता है अंदर सर्कल में होता है मैंने आपको बताया था तो इसमें आपका क्या आ जाएगा व्रत आ जाएगा वो क्या है गोल है ठीक है आपका व्रत आ गया अब चलते हैं नीचे देखिए ठीक है अब आपको ये दिया गया है पूरा इसमें आपको क्या बताना है व्रतों की संख्या कितनी है ठीक है तो देखिए जब आप काउंट करोगे ठीक है मैं आपको बता देता हूँ कौन से व्रत आपको इसमें काउंट करने हैं तो आपको ये वाले व्रत ये जितने भी गोल हैं वो सब चीज़ आपको काउंट करनी है ठीक है जब आप इसमें काउंट करोगे बच्चों वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्यों इसकी आँख भी व्रत है ठीक है सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ठीक है ट्वेंटी सेवन आपके व्रत हो गए तो ऐसे ही सभी बच्चों काउंट करके आप लोग लिख लेना मैं आपको सभी बता देता हूँ कि उनसे कितने हैं ठीक है जैसे इसमें नेक्स्ट आयत पूछा है तो बच्चों आयत आपके कौन से होते हैं जिनकी चार साइड होती है जैसे ये आपका आयत हो गया ठीक है ये आपका आयत हो गया और ये आपका आयत हो गया ये आपका गया, ये, ये ठीक है तो ये आपके कितने हो जाएंगे बच्चों ये सबसे ज़्यादा होंगे आपके थर्टी ठीक है त्रिभुजों की संख्या त्रिभुज देखने आपको एक ये हो गया एक ये हो गया ठीक है और आपको ये दिख रहा है एक ये एक ये तो आपके त्रिभुज कितने हो गए इसमें पाँच पाँच आपके त्रिभुज हो गए ठीक है वर्गों की संख्या वर्गों की एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह ठीक है आई थिंक इसमें हमें चार कम करने पड़ेंगे ठीक है क्योंकि ये वाला नहीं है ये आपका कट हो जाएगा तो इसमें आपके कितने आ जाएगा बच्चों फोर्टीन आ जाएंगे कितने आ जाएंगे फोर्टीन चौदह ठीक है तो ये आपके कंप्लीट होते हैं ठीक है स्टूडेंट्स अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग कैसे जीत सकते हो और कैसे आप लोगों को दूसरा चैनल पता लग सकता है देखिए मैंने पे लिखा हुआ है आईफोन की अवे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दो चैनल मेरे एक वर्सटाइल वाला एक है इसका नाम है सुजीत स्पीसियस विक्ट्री ठीक है इस चैनल का नाम आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर ये नाम है इसका ठीक है जैसे इस पर टेन के कम्प्लीट होंगे अभी इस पर कितने वन पॉइंट वन के और इस पर कितने अट्ठाईस के जो मेरा वर्सटाइल वाला है जिस पर आप वीडियो देख रहे हो इस पर जैसे ही हंड्रेड के कम्प्लीट होंगे तब आईफोन का गिव अवे किया जाए और वो कितने मिलेगा जो डेली मेरे चैनल से वर्कशॉट करते होंगे दस फ्रेंड के साथ शेयर करते होंगे वीडियो को पूरी देखते होंगे और हर वीडियो को लाइक करते होंगे देखो कुछ बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो आपको वीडियो को लाइक करना है तभी आप लोग विनर बन सकते हो कि ठीक है आपको क्या करना है डेली वर्कशूट कंप्लीट करनी है मेरे इस वाले चैनल पे भी आपको सब्सक्राइब कर लें जैसे जैसे जैसी वीडियो आए मैं देख सकूं और उस पर मैंने काफ़ी डांस की वीडियो भी डाली हुई है अगर आप लोग डांस पसंद करते हो आप लोग ट्यूटोरियल चाहते हो सीखना चाहते हो तो आप लोग वहाँ से मुझे कमेंट कर दीजिएगा मैं आपको बता दूंगा ठीक है दस फ्रेंड के साथ आपको शेयर करनी है वीडियो को पूरी देखना है हमेशा लाइक करना है ठीक है ये कुछ बच्चे हैं शिवम यासिक्ञा कश्यप किशनचंद के पी हैं प्रयागराज हैं ये बच्चे काफ़ी जो वीडियो पे कमेंट करते हैं और डेली अपडेट रहते हैं डेली वॉकशीट करते हैं दोस्त फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं हमेशा और वीडियो को पूरी देखते हैं और लाइक कर देते हैं सबसे पहले जैसे मैंने इस वीडियो में एम कितना करा है वन जीरो वन लाइक का एक सौ एक लाइक आप लोग इस पर कंप्लीट कर देंगे ठीक है शेयर करेंगे आप लोग तो डेफिनेटली कंप्लीट होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बी सेफ स्टे हेल्दी जय हिंद जय भारत